फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज, जो डिज़ाइनर ब्लाउज है, उसकी मैं स्लिप अटैच करके बताऊंगी, साथ में फिटिंग भी। तो ये हमारी जो स्लिप की कपड़े हैं जो इसमें निकली हुई है, तो देखिए इतने ही कपड़े की हमने इस तरह से स्लिप की कटिंग करनी है और इसमें अटैच करके देखेंगे कि कहाँ तक कम्प्लीट हो रही है। तो देखिए मैंने इस तरह से अटैच करके नाप लिया, तो ये यहाँ तक लगभग आ रही है। तो थोड़ी सी हमने इसकी जो चेस्ट भी फिटिंग करनी है, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो अब इसके जो साइड के किनारे हैं, यहाँ पर स्लिप अटैच करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हम स्लिप अटैच करेंगे तो परफेक्टली स्लिप अटैच नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसको खोल देंगे थोड़ा थोड़ा, और इधर से भी साइड से। और देखिए ये डिजाइनर ब्लाउज है, इसलिए हमने इसको थोड़े दूसरे टाइप से जो स्लिप अटैच करना है, सिंपल नॉर्मल जैसे नहीं अटैच करना है। सबसे पहले हम स्लिप के डिज़ाइन जो है इस तरह से जैसे स्लिप होती है वैसे कट कर लेते हैं राउंड शेप में, और उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से इसको राउंड शेप में कट करने के बाद, दो स्लिप हमारी है तो यहाँ से इसको अलग अलग कर देना है, और इसके मिड पॉइंट में इस तरह से कट पॉइंट लगाना है, ताकि ये हमारी पूरी मोढ़े पर, यानी कि जो शोल्डर है उस पार्ट पर आएगा ये जो कट पॉइंट है। इस तरह से रखने के बाद हम इसको मेज़र करेंगे, नापेंगे कि कहाँ तक कम्प्लीट हो रहा है। तो जहाँ तक कंप्लीट होगा वहाँ से हम इसको स्टिप जो स्लिप है उसको अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से है तो यहाँ से अटैच करना, ये बहुत ही आसान तरीका होता है स्लिप को अटैच करने की, और भी मैंने वीडियो बनाई हुई है स्लिप अटैच करने की। तो सबसे पहले हम इसकी मोहरी है उसकी सिलाई कर लेते हैं। अगर आपको पसंद है इसमें कोई भी पाइपिंग लगाना तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ही जो है स्लिप को अटैच किया है। तो सिंपल में सबसे पहले मैं उसकी मोहरी को सिलाई कर लेते हैं यहाँ पर। स्लिप की मोहरी जो है हमने स्टिच कर लिया है, अब हमने स्लिप को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, स्लिप को देखिए पहले तो अलग कर लिया है दोनों स्लिप को, उसके बाद हमने यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था मोढ़े से इसकी जो शोल्डर है वहाँ से इसको कट पॉइंट को मिलाते हुए जाएंगे, और इसके ऊपर से हम सभी स्लिप जो होती हैं नॉर्मल स्लिप्स वो अंदर से अटैच करती होती है, लेकिन इसे हमने फ्रंट साइड से यानी सीधे साइड से अटैच करना, ताकि इसके जो पाइपिंग है वो जो इसका डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ रहे, तभी ये जो डिज़ाइनिंग ब्लाउज है जो इस तरह से हमने अटैच करना है। देखिए ऊपर से सिलाई करेंगे, ऊपर से हम स्लीव अटैच करेंगे ताकि इसका जो डिज़ाइन है ख़राब ना हो, अंदर की तरफ डिज़ाइन जो ना चला जाए ऊपर की तरफ डिज़ाइन रहे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अटैच करते जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक एक बार सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, घुमाएंगे और एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो स्लिप है अच्छे से मजबूती से लग जाएगा और इसमें जो खुलने का डर नहीं रहेगा इसकी सिलाई। देखिए दो सिलाई मैंने लगाया है, एक थोड़ी स्टोरी पर और एक किनारे पर जहाँ पाइपिंग लगा है वहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट स्लिप जो तैयार किया है इस तरह से दो सिलाइयों में, उसी तरह से हमने सेकेंड वाले स्लिप भी अटैच कर लेना है। और सेकंड स्लिप करने अटैच करने के बाद मैं आपको फिटिंग बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट स्लिप हमारी अटैच हो चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है देख सकते हैं आप, क्योंकि पाइपिंग ऊपर की तरफ जो डिज़ाइन आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है। और इसी तरह से हम सेकंड स्लिप भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सेकेंड स्लिप भी अटैच कर लिया है। अब नीचे हमारी फिटिंग की जो रह गई है, तो फिटिंग के लिए हमने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है और पलटने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये परफेक्टली स्लिप तो हमारी लग चुकी है, अब हमें फिटिंग में हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल सी इसकी जो कमर है और हल्की सी चेस्ट में हमें फिटिंग करनी है। तो चेस्ट मैंने आपको बताया था जितनी स्लिप है उससे थोड़ी सी हटकर होगी, मतलब जितनी हमारी स्लिप लगी है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज़ का नाप ले लिया है और नाप को रख कर इस तरह से स्लिप को माप लेना है, कितनी स्लिप की फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चेस्ट में भी थोड़ा सा निशान लगा दूँगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरह से नाप मैंने यहाँ पर रखा हुआ है स्लिप पर, और स्लिप के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर मार्क कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से हम कर लेंगे। कमर में हमने ज़्यादा थोड़ा फिटिंग करना है स्लिप में, जितनी स्लिप की फिटिंग होगी उससे थोड़ी सी दूरी पर हमारी जो चेस्ट भी होगी, चेस्ट हमारी पहले से ठीक ठाक थी, हल्की सी हमने इसको फिटिंग कर देना है यहाँ पर।
तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब नीचे कमर की है तो कमर में भी उन्हें इस तरह से ब्लाउज़ को रख देना है और साइड से दोनों साइड से रख के इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। दूसरे साइड से भी रख के मार्क कर लेना है और इसको हम अब मिला लेंगे, यानी कि इस तरह से नीचे से इस तरह से मिलाते हुए। देखिए मैंने बताया था चेस्ट जितना पहले फिटिंग था उतना ही बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें इफेक्ट है, यानी थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा और टाइट कर दिया है। उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से दोनों साइड में हमने सेम टू सेम सिलाई कर देना है, जैसे हमने मार्क किया है वैसे सिलाई कर देना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव भी अटैच कर लिया, साइड से फिटिंग भी कर लिया। अभी इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज की पूरी परफेक्ट कम्प्लीटली जो फिटिंग और स्लीव अटैच कर लिया डिजाइनर ब्लाउज की। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।